बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द मैंडिबुलर प्रीमोलर्स। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट द मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर। मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर इज द नंबर फोर्थ टूथ फ्रॉम मिड लाइन, और इसका मैक्सियल कॉन्टैक्ट विद मैंडिबुलर कैनाइन एंड डिस्टल कॉन्टैक्ट विद द मैंडिबुलर सेकेंड प्रीमोलर। दिस इज द FDI एंड पामर रोटेशन। जनरल फॉर्म एंड फंक्शन की बात करें तो इट हैज़ टू कस्प, ओनली बकल कस्प इज फंक्शनल एंड लिंगुअल कस्प बहुत छोटा सा होता है, ठीक है, और मोस्ट प्रॉब्ली इट इज मोस्ट सिमिलर टू द मैंडिबुलर कैनाइन, इसलिए इसकी अक्लूजली इट इज़ डायमंड शेप्ड, जो कि कैनाइन की भी यही होती है। और फेशियल और लिंगुअल एस्पेक्ट कैसे होते हैं इसके, पेंटागोनल और प्रॉक्सिमल इट इज़ रिम्बॉइडल। मजीद बात करते हैं 10 to 11 ईयर्स इरप्शन टाइम। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने नोट डाउन की हुई है, मीजियो अक्लूजल स्लोप इज नॉर्मली शॉर्टर, दस लिविंग द कस्प टिप स्लाइटली ऑफसेट टुवर्ड्स द मीजियल। कस्प टिप जो ऑफसेट कर रही है मीजियली, क्या बता रही है कि डिस्टोक्लूजल स्लोप इज लार्जर एंड मीजियो क्लूजल स्लोप इज स्मॉलर। जब हम मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें बताया कि मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर की, वहाँ मैंने बताया कि मीजियो क्लूजल स्लोप इज लार्जर एंड डिस्टोक्लूजल स्लोप इज शॉर्टर। तो ये इनका डिफरेंस है, इसको मैंने जस्टिफिकेशन के लिए आपको एक बताऊंगा। जैसे K9 में बताया गया कि जब एट्रिजन में दांत आते हैं ड्यूरिंग मैस्टिकेशन, तो उनकी ऑपोजिट साइड की स्लोप एक दूसरे को टीयर आउट करती हैं, इसलिए मीजली और डिस्कली ये ऑपोजिट बड़ी होती हैं। अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है तो मीजियो ऐसे डिस्टोक्लूजल इसकी इस वक्त बड़ी हो जाएगी जब ये ड्यूरिंग में मैस्टिकेशन में आएगा, और मीजियो क्लूजली इसकी छोटी हो जाएगी। ये मोस्ट प्रॉब्लम ये फिनोमिनन होता है। आगे बात करते हैं लिंगुअल एस्पेक्ट की। तो लिंगुअल एस्पेक्ट, जो कि लिंगुअल कस्प बहुत छोटा होता है, तो बकली दांत अच्छा खासा नज़र आ रहा होता है। लिंगुअल बकल हाफ ऑफ द क्लूजल टेबल इज विजिबल स्मॉल बिकॉज ऑफ द स्मॉल लिंगुअल कस्प एंड द लिंगुअल सर्फेस इज मच नैरोअर एंड मीजियो डिस्ले। लिंगुअल कस्प बहुत छोटा होता है हर लिहाज से, इसलिए बकली की हमें सारा दांत तकरीबन नज़र आ रहा होता है। इसके मजीद इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं। मीजियो लिंगुअल डिवेलपमेंटल ग्रूव वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द लैंडमार्क फीचर्स ऑफ दिस टूथ एंड इज मीजली एंड लिंगुअली एस्पेक्ट्स एज इन द पर्टिकुलर इज द मीजियो लिंगुअल डिवेलपमेंटल ग्रूव। मीजियो लिंगुअल डिवेलपमेंटल ग्रूव यहाँ पे आपको अगर मैं दिखा सकूँ तो ये वाला है, जैसे मीजल मार्जिनल ग्रूव था, मीजल कनकैविटी इन द मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर, मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर में मीजियो लिंगुअल डिवेलपमेंटल ग्रूव होते हैं। मीजियो लिंगुअल डिवेलपमेंटल ग्रूव फुली विजिबल फ्रॉम द मीजल एस्पेक्ट, ठीक है, ये आपको डायग्राम में काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, यही बताया हुआ है। इसलिए डिस्टल एस्पेक्ट में डिस्टल मार्जिनल ग्रूव, देयर इज नो डिस्टो लिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रूव। मीजियो लिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रूव था इस दांत में, नो डिस्टल डिस्टो लिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रूव, बट देयर इज डिस्टल मार्जिनल ग्रूव। ये डिस्टल मार्जिनल ग्रूव आपको दिखाया गया और साथ में उसके बताया गया। बाकी सिंपल एस्पेक्ट्स हैं, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट इसकी बताऊंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट है। फोसा, दो फोसा होते हैं मीजियल एंड डिस्टल फोसा, देयर टू इररेगुलर डिप्रेशन ऑन द क्लूजल सर्फेस designated as mesial and distal fossa. The correspondent to the mesial and distal triangular fossa of the other posterior teeth and they are bounded by the transverse ridge. इसमें भी ट्रांसफर्स रिज बनती है। मैंने आपको बताया था कि कस्प और बकल कस्प और लिंगुअल कस्प की जब कस्प रिजेज मिलेंगी, ईच कस्प हैज़ 4 कस्प रिजेज, ये कस्प रिजेज जब मिलेंगी तो ट्रांसफर्स रिज बना देंगी। ये भी सारे प्रीमोलर्स की ट्रांसफर्स रिज होती है, सिर्फ मैंडिबुलर सेकेंड प्रीमोलर की ट्रांसफर्स रिज नहीं बनती, वो भी वाई शेप पैटर्न में, यू और एच शेप पैटर्न में उसकी भी ट्रांसफर स्ट्रिच बनती है। कैसे बनती है वो भी आपको वीडियो में बताया गया है। इसके बाद इसकी वेरिएशन अनोमलीज हैं, वेरिएशन इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अनोमलीज नहीं है, क्योंकि मैंडिबुलर सेकंड इन पूरे प्रीमोलर्स में कौन कौन से दांत इंपॉर्टेंट हैं, मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर और मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर, इनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों के बारे में बहुत पूछा जाता है। मेड डिस्प्ले बाइफर्केशन रूट कह रहे हैं, बाइफर्केट हो सकती है, इसलिए इसकी वेरिएशन नॉर्मली है। अब मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर की बात करते हैं, विच इज़ इंपॉर्टेंट टूथ, इट इज़ अ फिफ्थ नंबर टूथ फ्रॉम द मिड लाइन। सारी चीज़ें आपको पता है, FDI पामर रोटेशन है। सेकंड प्रीमोलर हैज़ अ जनरली लार्जर क्राउन एंड स्लाइटली लार्जर एंड लॉन्गर रूट। नॉर्मली क्या होता है कि जो डिस्टली जैसे हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर, तो दांत का साइज छोटा हो रहा होता है और कॉन्टैक्ट एरिया वाइड हो रहा होता है। इसका भी कॉन्टैक्ट एरिया वाइड है नो डाउट, लेकिन क्राउन का साइज बढ़ रहा है और लॉन्गर रूट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और एग्जिबिटिंग टू लिंगुअल कस्प्स, हमने अब तक प्रीमोलर जितने सारे डिस्कस किए हैं उसमें हमने डिस्कस किया है कि लिंगुअल कस्प के नॉर्मली दो प्रीमोलर्स के
दो कस्प होते हैं, बकल और लिंगुअल। लेकिन इस ये वाहन प्रीमोलर है जिसके लिंगुअली दो कस्प होते हैं, बको लिंगुअल और मिनिजियो लिंगुअल। अब डिस्कस करते हैं 11 टू 12 इरप्शन टाइम, द थ्री कस्प टाइप, मिनिजियो लिंगुअल, डिस्ट्रो लिंगुअल कस्प, लिंगुअल पे और एक बकल कस्प। लिंगुअल पे दो होते हैं, मिनिजियो लिंगुअल, डिस्ट्रो लिंगुअल। और क्योंकि क्यों होते हैं, क्योंकि लिंगुअल ग्रूव होता है यहाँ पे, जो कि डिवाइड करता है लिंगुअल साइड को इंटू टू इरेगुलर पैटर्न। मिनिजियो लिंगुअल कस्प इज द लार्जर एंड डिस्ट्रो लिंगुअल कस्प इज द स्मॉलर वन। और यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, द टू कस्प टाइप डिस्प्लेज अ सिंगल लिंगुअल कस्प। अगर ये लिंगुअल ग्रूव ना हो तो क्या होगा, एक लिंगुअल कस्प बनेगा, जैसे कि बाकी प्रीमोलर्स में हमें नजर आता है। और जब एक लिंगुअल कस्प बनेगा तो डेफिनेटली कस्प एक दूसरे को फेस करेंगे, तो ट्रांसवर्स रिज भी बनेगी। ये मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, विच इज़ इंपॉर्टेंट। और बाकी सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट सेम, या क्लूजल एस्पेक्ट, जनरल कंसिडरेशन, जनरल ग्रूव पैटर्न, वाई शेप, यू शेप एंड एस शेप। अब ये तीनों पैटर्न बनते कैसे हैं ये आगे डिस्कस करते हैं। ये थ्री कस्प पैटर्न आपको बताया हुआ है, उसी का मॉडल पोर किया हुआ है मेरे हाथ में, आपको नजर आ रहा होगा, विच इज वाई शेप टाइप एंड देर इज थ्री कस्प टाइप। अच्छा, वाई शेप टाइप में क्योंकि तीन कस्प बनते हैं, उसके अंदर कौन कौन से, बकल कस्प, मीजियो लिंगुअल कस्प एंड डिस्टो लिंगुअल कस्प, जिसकी वजह से तीन ही फोसाज बनते हैं। देर टू फोसा, टू दो फोसाज बनते हैं, मीजियल एंड डिस्टल ट्राइंगुलर फोसा। और ये थ्री कस्प टाइप है, ये मीजो लिंगुअल, डिस्ट्रो लिंगुअल एंड बकल कस्प। ये इसके ग्रूव्स बताएं, वो चीज़ मेरे ख्याल से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने डिटेल में नहीं पूछते। ये टू कस्प टाइप है, वाई टाइप एंड यू एंड एच टाइप, विच इज़ टू कस्प टाइप, जो कि मेरे पास इस वक्त मॉडल नहीं है, अब सिर्फ पिक्चर्स देखें आप। इसमें दो दे आर टू कस्प ऑल्सो एज अ फोसा, हाउ एवर दे आर रफली सर्कुलर इन शेप एंड फॉर्म मीजियल एंड डिस्टल फोसा। मीजियल और डिस्टल फोसा बनाते हैं, और इसमें ट्रांसवर्स रिज बनती है, वाई शेप में ट्रांसवर्स रिज नहीं बनती। वेरिएशन एंड अनोमलीज की बात करें तो इसकी अनोमलीज इंपॉर्टेंट है, अनोमलीज आर रेयर ऑल्दो रूट बाइफर्केशन हो जाती है इनटू बकल एंड लिंगुअल ब्रांचेज इज समटाइम्स सीन, द मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर्स आर ऑन ओकेजन कंजेनिटली मिसिंग। अच्छा, कंजेनिटली मिसिंग के अक्सर वाइवा में पूछ जाते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन जो कंजेनिटली मिसिंग दांत होता है, विच इज थर्ड मोलर, मैक्सिलरी, आइदर मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, डजेंट मैटर, थर्ड मोलर होता है। उसके बाद लेटरल इंसाइजर्स, मैक्सिलरी, लेटरल इंसाइजर्स, और तीसरे नंबर पे आती हैं मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर, कंजेनिटली मिसिंग हो सकती हैं। और सुपर न्यूमरल टीथ समटाइम्स ऑब्जर्व इन द मैंडिबुलर प्रीमोलर एरिया, सुपर न्यूमरल टीथ भी देखने में मिला है। ये इसकी आखिर में डायग्राम, मॉर्फोलॉजिकल सारी, बकल, लिंगुअल, मीजर, डिस्टल, आप साथ साथ फीचर इसके डिस्कस करें, साथ साथ इसकी डायग्राम देखें, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, यू वाई एंड एच टाइप। थैंक यू सो मच।